हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू आरए 247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट एंड मेरा नाम है कुश पांडे। वेल, कुछ समय पहले आज मिस्टर मोदी द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ उन्होंने ऐलान किया कि हम दुनिया के चौथे देश बन गए हैं जिनके पास अब एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल की क्षमता है। वी हैव बिकम द फोर्थ नेशन इन द वर्ल्ड टू हैव एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल और मिशन शक्ति के दौरान हमने एक लाइव सैटेलाइट को गिरा दिया या फिर मार गिराया। तो आइए जानते हैं मिशन शक्ति क्या है एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। पहले ही जानते हैं बैकग्राउंड के बारे में। अ लाइव सैटेलाइट वाज शॉट डाउन बाय इंडिया टुडे यूजिंग एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल एज पर द प्राइम मिनिस्टर। चौथा देश इंडिया बन गया है। जो बाकी देश उनके नाम है यूएस, रशिया, चाइना। एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है उसने 3 मिनट के अंदर उस लाइव सैटेलाइट को मार गिराया। इट इज ऑल्सो नोन एज एसैट और ये एक सरप्राइज भी है भारत की तरफ से, बिकॉज इंडिया हमेशा से कहता आया है कि जो स्पेस का आपका जो स्पेस एरिया है दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी मिलिट्री वॉरफेयर एनीथिंग। तो ये एक तरह से सरप्राइज भी है और ये स्पेशल भी इस वजह से है बिकॉज इंडिया फोर्थ नेशन है आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना एंड ये पूरी तरीके से देश के अंदर बनाया गया है। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसने ही इस मिसाइल को बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है। अगर हम बात करें मिशन शक्ति के बारे में तो ये है मिशन शक्ति के बारे में कुछ अपडेट। अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की मिशन शक्ति का एक क्या रहा है तो सबसे पहले दिस टेक्नोलॉजी वॉज टेस्टेड बाई यूएस इन 1958। उसके बाद सोवियत यूनियन जिसे हम USSR भी कहते हैं उसने इसको फॉलो अप किया 64 में एंड फिर चाइना ने सेम टेस्ट किया इन 2007। In 2015, रशिया ने टेस्ट किया PL-19 नूडोर मिसाइल को एंड उसके बाद उन्होंने और टेस्ट भी किया और 2007 में चाइना ने भी ऐसा ही कोई टेस्ट किया। इस पर यूएस ने आपत्ति जताई, उसने कहा कि दिस इज अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस एंड इट कैन हैव वेरियस डिसएडवांटेजेस इन द कमिंग इयर्स टू कम और इसके लिए उन्होंने इसको अपोज भी किया। बिकॉज इसको अपोज भी किया गया बिकॉज ये काफी क्रिटिकल मैटर है तो इसके ऊपर एक ट्रीटी भी बनाई गई जिसके तहत जो भी रूल्स उस ट्रीटी में कहे गए हैं उन्हीं को ही आपको फॉलो करके ये काम करना पड़ेगा। We'll get back to that treaty, but उससे पहले अगर हम ASAT की इंडिया की बात करें जिसे अब लिखा भी हुआ है, it is entirely made in India by the Defence Research and Development Organisation. They were a team of scientists जिन्होंने ये काम कर दिखाया। तो आइए एक बार देखते हैं पहले कैसा दिखता है आपका एक ASAT मिसाइल। तो ये एक इमेज भी है और यहाँ पर मैंने बताया भी है आपको मिसाइल क्या है। बेसिकली ASAT और एंटी सैटेलाइट वेपन्स आर स्पेस वेपन्स डिजाइन टू इनकैपेसिटेट और डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स फॉर स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पर्पसेस। एक तरह से इसका मेन मकसद होता है कैसे हम डिस्ट्रॉय करें सैटेलाइट्स को या फिर उन्हें निष्क्रिय कर दें। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जिसने कि ऐसा कोई ASAT आपका यूज किया हुआ है अभी तक, पर हाँ ये बिल्कुल है कि कई देशों के पास ये टेक्नोलॉजी भी है जिसमें इंडिया भी, मतलब 4 देशों के पास टेक्नोलॉजी, इंडिया भी अब इसका पार्ट हो चुका है। अच्छा, अब ये रही इमेज आपके सामने, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं इमेज है, ये एक ASAT मिसाइल की इमेज है जिसका जो कि एक देश की एक से ली गई है। बेसिकली दिस विल बी ओवरऑल यूएस की एक ASAT मिसाइल है एंड ऐसा ही कुछ इंडिया की मिसाइल भी दिखती होगी जो कि अभी हमने आज जो कि पब्लिक इंफॉर्मेशन में आज जारी किया गया है। अब जो ट्रीटी की मैं आपसे बात कर रहा था दैट इज नोन एज द आउटर स्पेस ट्रीटी, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द नेशनल स्पेस लॉ। ये ट्रीटी जो है इसको ओपन किया सिग्नेचर के लिए यूएस द्वारा, यूके द्वारा एंड सोवियत यूनियन द्वारा January 1967 और एज ऑफ February 2019 देयर आर 108 कंट्रीज व्हिच आर पार्टीज टू द ट्रीटी, जबकि बाकी 23 ऐसे आपके हैं जिन्होंने अभी ट्रीटी को फिलहाल साइन तो किया है पर उन्होंने अभी इसको रेटिफाई या कंप्लीटली अबाइड नहीं किया है। This treaty does not ban any military activity or conventional weapons in space, but it lays down the guidelines कि क्या क्या इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाना है। एंड में ये रहा ग्राफिक जहां पर आप देख सकते हैं ग्रीन जो है these are the parties who are signatories, जिन्होंने जो signatories भी हैं जिन्होंने abide किया है इस treaty को और फिर आपका येलो है फिर आपका रेड है। येलो वो कंट्रीज हैं जिन्होंने साइन तो किए हैं पर उन्होंने अभी तक उसको अबाइड नहीं किया और रेड वो है जिन्होंने साइन भी यहाँ पर फिलहाल नहीं किए। सो यहाँ पर दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन अबाउट दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन आपको और जानकारी क्या पता है इसके बारे में, बिकॉज इट इज अ डेवलपिंग न्यूज एंड आगे चल के इस पे और चीजें भी
खुल के सामने आएंगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंटी सैटेलाइट वेपन मिशन शक्ति एंड अबाउट द आउटर स्पेस ट्रीटी, जो कि इसका एक बहुत ही बड़ा इसका एक अंग वो है. तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल. बाय बाय.